Good morning, students. I am Yasmin from St. Mary's Public School. I am grammar teacher. I teach in class 3. और today my topic is pronoun. बच्चों आज मैं आप लोगों को pronoun के बारे में बताऊंगी और आज आप लोग pronoun सीखेंगे कि pronoun का uses क्या होता है और pronoun क्या है और pronoun कितनी तरह के होते हैं और pronoun से हम क्या क्या बना सकते हैं. तो बच्चों आज मैं बस आप लोगों को pronoun बताऊंगी कि pronoun क्या होता है. तो सबसे पहले बच्चों आप जानेंगे कि प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है. तो प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम और इसको इंग्लिश में सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रोनाउन. तो प्रोनाउन का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो कि मैंने आपके ब्लैकबोर्ड पे लिखा है. और यहाँ पे प्रोनाउन का डिफाइन है प्रोनाउन. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. मैं यानी कहने का मतलब ये है, इसका एग्जाम्पल एक बार लिखी लिखेंगे पहले ही सी इट दे इट इज. ठीक है, मतलब ये जो है प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन. जैसे हम लोग लिख सकते हैं रामी जी बॉय, यहाँ पे मैंने लिखा रामी जी बॉय. सीता इज ए गर्ल. आई हैव ए पेन. काउज आर यूजफुल. ठीक है, तो ये जो है आपका लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है हमारा, ये जो राम है हमारा नाउन आ रहा है, ये सीता नाउन है. फिर आपका जो नाउन आता है उसको हम बदल सकते हैं किसमें, प्रोनाउन में, जो कि आप अभी मैंने बताया कि नाउन के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोनाउन. यानी यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है. तो राम हमारा नाउन है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी इज ए बॉय. मान लीजिए हम राम इज ए बॉय, राम इज ए जेंटल बॉय, राम इज ए ऑनेस्ट बॉय. ये जो राम राम हम बार बार जो नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं हम इसको बदल के लिख सकते हैं, जैसे राम इज ए बॉय, राम ही इज ए ऑनेस्ट, ही इज ए जेंटल, ही इज ए गुड बॉय. तो हम ही करके कर सकते हैं, राम राम अच्छा नहीं लगेगा ये, क्योंकि राम हम एक बार जब उनका नाम ले लिए तो हम इन्हें कर सकते हैं कि वह अच्छे हैं, वह ईमानदार हैं, वह एक बहुत अच्छे हैं, वह उनके बारे में वह वह करके कर सकते हैं. उसी तरीका से मान लीजिए हम किसी गर्ल्स का नाम लेते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल, उनके बारे में हम लोग भी लिख सकते हैं सी इज ए गर्ल. यानी इन्हें हम किस में बदल दिए, प्रोनाउन में. ठीक है, फिर उसी तरीका से हमारा यहाँ पे आता है आई हैव ए पेन. तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज स्टेट पेन, यानी ये टाइप का क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. काउज आर यूजफुल, तो आदे आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, दे आर यूजफुल. तो ये हुआ आपका कि नाउन से आपको प्रोनाउन में इस चेंज करें हम कि कैसे बदला जाता है हमारा प्रोनाउन में. तो इन वाक्यों में आपने सीखा ही सी इट और दे कि प्रोनाउन है, क्या है, ही सी इट दे प्रोनाउन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है. तो ही का प्रयोग राम राम के वास्ते हम लोग किए, ही का प्रयोग किसकी जगह किए, राम के लिए, क्योंकि राम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया. अब सी का प्रयोग हम लोग किसके लिए किए, सीता के लिए, कि सीता हमारे क्या है, नाउन है. अब जो हमारा है इट का प्रयोग हम लोग किसके लिए किए, पेन के लिए, जो कि हमारा यहाँ पे पेन है. ठीक है, फिर उसके बाद काउज आर यूजफुल, तो हम लोग इसमें किसका यूज किए, हम लोग दे का यूज किए, किसके लिए, तो काउज के बदले में हुआ हमारा दे का यूज. ठीक है, तो आज हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि ये प्रोनाउन जो है कि वो से हम कैसे बदल सकते हैं, नाउन से प्रोनाउन में एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं है. तो आइए अब हम आप लोगों को कुछ सम इम्पोर्टेंस जो होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस प्रोनाउंस होते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि सम इम्पोर्टेंस प्रोनाउन क्या है. आप लोग चाहो तो याद भी कर सकते हो, जैसे आई मी माइन वी एस आवर्स अस यू योर्स ही हिम सी हर हर्स दे देम देयर इट इज. तो ये जो है आपके कुछ इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोनाउंस है, जो आपके प्रोनाउन में आते हैं, जिसे हम नाउन से प्रोनाउन में बदले में प्रयुक्त करते हैं. तो बच्चों नाउन जो होता है, तो नाउन से हम लोग इसमें प्रोनाउन में एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये हुआ हमारा प्रोनाउन, जैसा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के बताया. तो आप लोग मेरे
मेरे अंदाज से आप लोग सीख लिए होंगे अच्छे से, आपको पता चला होगा कि प्रोनाउन न को कैसे हम लोग बदलते हैं नाउन से। तो इसके कुछ काइंड्स भी होते हैं जो कि आपके होते हैं काइंड्स, तो इसमें कुछ काइंड्स होते हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना है, जो कि मैं बताती हूँ, जो कि आप लोगों को मैं कल बताऊंगी कि कितने काइंड्स होते हैं। तो इसके आज जानेंगे आप लोग कि 10 काइंड्स होते हैं, उनके नाम मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के लिए बस बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे बस प्रोनाउन कि प्रोनाउन क्या होता है। आज मैंने आप लोगों को प्रोनाउन बताया, आज आप लोगों ने प्रोनाउन सीखा कि प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन का यूज हम लोग कैसे करते हैं और किस चीज़ को बदल के हम लोग नाउन से प्रोनाउन में करते हैं। तो आप लोग सीखे होंगे आज, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप रिपीट अगेन करके वीडियो फिर से देख सकते हैं। आज के लिए मैं बस इतना ही रखती हूँ और थैंक यू।